रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी कैट में हम आपको शामदेद कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल लीगेंड। तो इसमें से कौन सा वाला न्यूट्रल लीगेंड है? नाइट्रोसाइल जो है दैट इज नॉट अ न्यूट्रल लीगेंड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रेट NO3-1 इज नॉट अ न्यूट्रल लीगेंड। ऑक्जलेट जो है दैट इज नॉट अ न्यूट्रल लीगेंड। और कार्बोनेट दिस इज ऑल्सो नॉट अ न्यूट्रल लीगेंड। तो इसके अंदर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि द ज्योमेट्री ऑफ टेट्रा अमाइन कॉपर एज। तो अब आप इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, अगर कम्प्लेक्स है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी या तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी या तो स्क्वायर प्लेनर होगी। अब उसके लिए शॉर्टकट, बहुत शॉर्टकट है कि जिंक के जितने भी कम्प्लेक्सेज होंगे वो टेट्राहेड्रल होंगे जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। गोल्ड, प्लाटिनम, प्लाडियम के जितने भी कम्प्लेक्सेज होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। कॉपर के अगर कोई कम्प्लेक्स है और वो साइनाइड के साथ है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो वो टेट्राहेड्रल होगा। और अगर कॉपर का कम्प्लेक्स अमोनिया के साथ है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो उसका जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो करेक्ट आंसर है। तो ये चीज आपने जहन के अंदर रखनी है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड हैविंग D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, जबकि टेट्राहेड्रल की जो है वो SP3, ये टेट्राहेड्रल की शेप होती है और ये जो है वो ट्राइंगुलर बाई पैरामिडल की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो कोऑर्डिनेशन स्फेयर चार्ज। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है, और इसी तरीके से इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसके साथ जो लीगेंड लगे हुए हैं ये दोनों के दोनों न्यूट्रल लीगेंड में गए हैं। सो करेक्ट आंसर इसका जो है ना वो डेल्टा बन गया है। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। आयोपिक नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हेक्सा सयानो, ये आ गया पोटाशियम हेक्सा सयानो फेरेट 2, ये इसका जो है ना वो करेक्ट नेम है क्योंकि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 बनता है। कम्प्लेक्सेस विद बाइडेंटेट लीगेंड दे आर कॉल्ड कीलेट्स, यानी ऐसे लीगेंड जो कि रिंग फॉर्मर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेटल आयन है और यहाँ पर इसके साथ एक लीगेंड लगा हुआ है और वो बाइडेंटेट है। तो ये जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यू कैन सी दे फॉर्म रिंग। सो रिंग फॉर्मर लीगेंड्स दे आर कॉल्ड एज द कीलेट्स, इनको कहते हैं सेंट्रल आयन एंड लीगेंड इन द कम्प्लेक्स। तो ये सेंट्रल आयन है और ये इसके साथ लीगेंड है। तो कैडमियम इज अ सेंट्रल आयन और लीगेंड जो है ना वो साइनाइड है और कैडमियम के ऊपर +2 चार्ज है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K3Cr, ये ऑक्सलेटो है और ये बाइडेंटेट लीगेंड है। तो यानी कि ये ऑक्सलेटो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है, तो 3 ऑक्सलेटो जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है ना वो 6 हो जाएगा और जो चार्ज है वो इसके ऊपर +3 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें +3 चार्ज इसके ऊपर है और -6 चार्ज इसके ऊपर है, तो इन दोनों को ऐड करें -3 बनता है। तो जितना चार्ज इसका है उसका अपोजिट चार्ज वो क्रोमियम का हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका बीटा बन गया। फॉर्मूला ऑफ टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम, तो ये तो बड़ा आसान सा नाम है, इसको हम अगर देखेंगे तो टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके अंदर एक गुर है, वो गुर इसके अंदर ये है कि अगर आप इसमें देखें तो टेट्रा अमाइन ये भी बनता है लेकिन इसके अंदर नाइट्रो ये नहीं है, तो टेट्रामाइन ये बनता है तो इसके अंदर डाइक्लोरो है, ठीक है, और इसके अंदर टेट्रामाइन है, नाइट्रो भी है और क्लोरो है, तो अल्फा करेक्ट आंसर बनता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, अब एक सेंट्रल मेटल आयन को कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट हो रहे हैं, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर वाटर डोनेट कर रहे हैं, 3 हाइड्रोक्साइड के कर रहे हैं, तो इसको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर मिल रहे हैं। आयोपिक नेम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज पोटाशियम हेक्सा सयानो फेरेट 3। यहां पर जो है ना आयरन का चार्ज 3 हो जाएगा क्योंकि ये +3 है, ये -6 है, दोनों को ऐड करेंगे -3 बनेगा। अब जितना चार्ज बनता है उसका अपोजिट चार्ज +3 वो आयरन का हो जाएगा, तो पोटाशियम हेक्सा सयानो फेरेट 3 इसका जो है ना वो चार्ज बनेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय प्लाडियम इन PdCl4-2, इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि एक क्लोरीन जो है ना इसको वो देता है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 क्लोरीन जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और इसके ऊपर -2 चार्ज भी बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, अगर वो कहता ना कि इलेक्ट्रॉन्स गेंड, तो इलेक्ट्रॉन गेंड जो है वो तो 8 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, यहाँ पर उन्होंने की में आंसर 4 बनाया हुआ है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता तो फिर हम इसको जो है ना वो 4 कर लेते, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेंड की बात कर रहा है तो वो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन वो 8 है,
और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो 4 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, इसमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है? तो नाइट्रो NO2-1 ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है. शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच सिक्स बॉन्ड आर फॉर्म, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और साथ इसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मोस्ट कॉमन शेप है वो भी ऑक्टाहेड्रल होती है. विच स्पीशी डज नॉट एक्ट एज अ लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स? सो अमोनियम आयन डज नॉट एक्ट एज अ लिगेंड क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. इन विच कॉम्प्लेक्स लिगेंड मेक अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर? तो जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ना वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऑक्सलेटो बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसमें से हाइड्रोजीन न्यूट्रल लिगेंड है, दैट इज NH2 और NH2, और एक और बात कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, ये भी करता है, तो ये एक न्यूट्रल भी है और बाइडेंटेट भी है, जिसको हम लिगेंड कहते हैं, सॉरी कीलेट कहते हैं. व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज D2SP3, अब अगर आप इसमें देखें इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की तादाद 6 है, तो जब वो 6 होगा तो उसकी ज्योमेट्री वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी. द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मैच करेक्टली एक्सेप्ट, इसके अंदर आपने ढूंढना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता. तो पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 ये ठीक है, टेट्राकार्बोनाइल निकल 0 ये भी ठीक है, ये आ गया सोडियम पेंटाकार्बोनाइल मैंगनेट जो है ना +1 हो गया, तो ये इसका जो है ना वो गलत है क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज का जो चार्ज है दैट इज -1. किस तरह? ये कार्बोनाइल इज न्यूट्रल लिगेंड, सोडियम +1 है, तो अगर ये +1 है तो इसको -1 होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का यहाँ पर -1 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द लिगेंड, तो इसमें से जो ये अमोनिया है ना ये लिगेंड को डोनेट कर रहा है, तो इसमें जो एक्स है वो लिगेंड को जो है ना वो डोनेट कर रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, सो इसका करेक्ट आंसर वॉज चार्ली. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता? सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये करेक्ट आंसर इसका हो सकता है. टू कोऑर्डिनेशन नंबर लीनियर, फाइव कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल होता है, स्क्वेयर प्लेनर नहीं होता. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस शो कॉमनली विच टाइप, अभी मैंने बोला है कि मोस्ट कॉमन जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इसका जो करेक्ट नाम है दैट इज एक्वा टेट्रा अमाइन ब्रोमो कोबाल्ट, और ये इसका जो है ना करेक्ट नेम बनता है कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ये करेक्ट आंसर बनता है जी. अब इसमें अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो -2 चार्ज इसका है, 0 चार्ज इसका है, 0 चार्ज इसका है, -1 इसका है, अब सारे मिला के -3 चार्ज बनते हैं, जितना चार्ज इनका है तो उतना अपोजिट चार्ज वो कोबाल्ट का हो जाएगा, सो इट इज कोबाल्ट 3, ये इसका करेक्ट आंसर है. फॉर ज्योमेट्री इन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड विच आर मैच्ड करेक्टली, sp3d2 ट्राई करेक्टली, आपने सॉरी देखना है, तो ये गलत है, ये इसकी जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल होती है. dsp2 ये इसके साथ करेक्ट है, स्क्वायर प्लेनर वाली ज्योमेट्री है dsp3, और ये गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिगेंड इज एनायनिक इन नेचर, कौन सा वाला पेयर जो ना एक्वा वाटर ये न्यूट्रल है, अमाइन ये न्यूट्रल है, कार्बोनाइल न्यूट्रल है, तो सयानो ये जिसके आखिर में ओ आता है ना वो नेगेटिव लिगेंड होता है, जैसे सयानो है या आयोडो है. ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MnCl4 जो है ना, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है MnCl4 की. इन द कंपाउंड PtCl(NOT) NO2, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, चार लिगेंड ये हो गए, चार इलेक्ट्रॉन पेयर 5, और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लाटिनम को मिल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स? नेचर ऑफ द एटम बिल्कुल ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड, स्कीलेट इफेक्ट, सारे जो है ना वो इफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर. ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डैश टेकिंग प्लेस इन द वैलेंस शेल ऑफ एन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर वो करता है. अभी आप कितनी बार ये क्वेश्चन गुजर चुका है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये शेप हो जाएगी, अगर इसकी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये शेप हो जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका ताल्लुक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसमें से कौन सा वाला है? एसीटेट आयन ये नहीं है, ऑक्सलेट आयन ये भी नहीं है, फॉस्फेट आयन ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है. अगर हम फॉस्फेट आयन को देखें, दिस इज इट, ये फॉस्फेट आयन है और ये ट्राइडेंटेट है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है,
फॉस्फेटो भी इसको बोल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, तो ये फॉस्फेटो ट्राइडेंटेट लिगेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स शो स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये डेल्टा अभी हमने कहा है कि कॉपर अगर अमोनिया के साथ होगा तो वो स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा, और अगर वो साइनाइड के साथ होगा तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकिलेट, बाइडेंटेट लिगेंड जो होता है या ट्राइडेंटेट वगैरह ये किलेट्स बनाते हैं। Which of the following complex of transition metal ion is DSP3 hybridized? जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ये होगी तो उसमें 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और उसकी ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। फॉर्मूला ऑफ टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम, ये क्वेश्चन भी हमारा गुजर चुका है कि ये टेट्रा अमाइन नाइट्रो क्लोरो प्लाटिनम, ये इसका करेक्ट फार्मूला है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैविंग लिगेंड इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फेयर, जिसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल दोनों मिला के शामिल होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।